नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर लखनऊ से। आज समाजवादी पार्टी की जिला सचिव लक्ष्मी यादव ने बीकेटी विधानसभा की इन गांव खानपुर महिगवा एक दुनिया हर सकरी हनुमत नगर में बीकेटी विधानसभा के अंतर्गत घर घर जाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गोमती यादव के लिए वोट और आशीर्वाद मांगने का काम किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी की जिला सचिव लक्ष्मी यादव ने बताया कि जब से बीकेटी विधानसभा के प्रत्याशी का ऐलान हुआ है तब से लेकर मतदान तक हम लोग पूरी मेहनत से इसी तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद किसान, नौजवान, महिलाएं, गरीब सबके लिए खुशियां आएंगी। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए काम करती है, नौजवानों के लिए काम करती है और वर्तमान सरकार ने सिर्फ झूठे बोले, जनता के ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए। वर्तमान सरकार ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे लेकिन नहीं की गई। वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार देंगे लेकिन रोजगार भी नहीं दिया। इसी तरीके के अनगिनत इनके झूठ और जनता जान चुकी है। इस मौके पर आरजेडी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव, गौड़ा जी महेश गौतम, संगठन मंत्री राकेश यादव, एडवोकेट अमित सिंह तोमर, राकेश यादव, रंजीत यादव, अमित यादव, अर्चना यादव, मूर्ति यादव, रोमा यादव, कोमल गौतम, अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखनऊ से राकेश यादव की रिपोर्ट।